मेरे दोस्तों, कैसे? अभी मैं फिलहाल हूँ राजेंद्र नगर टर्मिनल वाली ट्रेन नंबर 13246। लाइट नहीं आया। चलिए आपको लोकोमोटिव दिखाते हैं इस ट्रेन का। ऐसा आप नहीं कीजिएगा। दोस्तों सुबह के 7:30 बज रहे हैं, अब हम पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहा है 5, अब हम लोग पहुंच चुके हैं एनजेप। हम आ गए हैं स्टेशन के बाहर और जान लीजिए इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। करनी पसंद आए तो एक लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। अभी मैं फिलहाल हूँ राजेंद्र नगर टर्मिनल में और आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 13246 कैपिटल एक्सप्रेस में, जो कि राजेंद्र नगर से रात 11:10 में निकलती है और ठीक आप अगले दिन 12:45 में आप न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन होंगे। अगर आप राजेंद्र नगर टर्मिनल आते हैं तो देखिए कुली की भी व्यवस्था मिल जाएगी। अगर राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के बारे में बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड हुआ RJPB, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 4, और इस स्टेशन को ओपन किया गया था इन द ईयर 2003 में और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था 2004 में। चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और अपनी ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, कैपिटल एक्सप्रेस। जी हाँ, बाकी कैपिटल एक्सप्रेस का अभी तक गेट नहीं खुला है। देखिए लॉक है, खुलेगा उसके बाद दिखाते हैं आपको। ट्रेन का गेट तो खुल गया लेकिन अभी तक लाइट नहीं आया। चलिए आपको लोकोमोटिव दिखाते हैं इस ट्रेन का। देखिए लोकोमोटिव गोमो का BF7 लोकोमोटिव के साथ चलेगी आज अपनी कैपिटल एक्सप्रेस। जी हाँ, जिसका इंजन नंबर बताते हैं आपको 37047। अब चलिए चलते हैं अपनी कोच में क्योंकि बहुत पीछे है और अभी तक लाइट भी नहीं आया है। अभी खुलने में लगभग 1 घंटे का टाइम है। बाकी अभी देखिए एक बोतल पानी लिए हैं 10 रुपया का, 10 रुपया बोल रहा था लेकिन दिए 8 रुपया क्योंकि 8 ही रुपया लिखा हुआ था उस कैंटीन में और बोल रहा था 10 रुपया। ऐसा आप नहीं कीजिएगा, 8 रुपया है तो 8 ही रुपया दीजिएगा आप उसको, ये नहीं कि 10 रुपया आप उसको दे दीजिएगा। बाकी चलते हैं अपनी कोच में। कोच नंबर है S7 और सीट नंबर है 3। सीट नंबर 3 कह सकते हैं कि 6 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन 11:16 पर, जी हाँ, राजेंद्र नगर से रवाना हो गई है प्लेटफॉर्म संख्या 1 से। देखिए आप इसका डिपार्चर। बाय बाय राजेंद्र नगर, फिर मिलते हैं।
चलिए अब इस ट्रेन का आपको बाथरूम दिखाते हैं। सामने रहा मिरर चकाचक, यहाँ देखिए पानी आ रहा, ये रहा डस्टबिन, फायर इंटीग्रेशन, यहाँ भी देखिए डस्टबिन दिया हुआ है। अब चलिए चलते हैं बाथरूम में। देखिए मिरर यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी देखिए पानी आ रहा है, यहाँ देखिए डस्टबिन दिया हुआ है, कह सकते हैं कि ठीक ठाक। वहाँ भी देखिए जग धरा हुआ है, पानी आ रहा है, यहाँ भी देखिए शावर दिया हुआ है, कह सकते हैं ठीक ठाक है। फ्लश देखते हैं दवा के, कह सकते हैं कि बाथरूम ठीक ठाक है। टाइम हो रहा है 11:30। जी हाँ, अब हम सोते हैं, मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट, और वीडियो को आप एंजॉय करते रहिए। तीन नंबर। जी हाँ सर, मनीष कुमार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कटिहार जंक्शन, जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ KIR, नंबर प्लेटफॉर्म 8, और कटिहार आता है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन के कटिहार डिवीज़न में। अगर हम कटिहार रेलवे स्टेशन के बारे में बात करूँ तो कटिहार को ओपन किया गया था इन द ईयर 1889 में, और इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया था अप्रैल 2017 में। जी हाँ, और कटिहार को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि एक लाइन चली गई यहाँ से कटिहार तेज नारायणपुर लाइन, एक लाइन चली गई यहाँ से मालदा टाउन लाइन, एक लाइन चली गई यहाँ से सिलीगुड़ी लाइन जिस रास्ते से अभी हम जाएंगे, और एक लाइन यहाँ से चली गई है कटिहार जोगबनी लाइन। कह सकते हैं कि यहाँ अपनी ट्रेन आधा घंटा डिले आई थी। जी हाँ, और यहाँ इस ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट है। अब मिलते हैं अब इसका डिपार्चर टाइम में। जी हाँ, तब तक आप वीडियो को इंजॉय कीजिए।
अब हम पहुंच चुके हैं लावा, जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ ALAV, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 1। और लावा भाई आता है कटिहार डिवीजन के अंतर्गत। लावा रेलवे स्टेशन पर रोजाना 29 ट्रेन का हॉल्ट है, जी हाँ, और लावा में मात्र इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए चलते हैं, अब इसका डिपार्चर दिखाते हैं आपको। अब हम पहुंच चुके हैं आजम नगर रोड, जिसका स्टेशन कोड हुआ AZR, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3। और आजम नगर पड़ता है हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी मेन लाइन पर, जी हाँ, और यहाँ रोजाना 29 ट्रेन का हॉल्ट है, जी हाँ, आजम नगर रोड पर। और यहाँ अपनी ट्रेन आई है, कह सकते हैं लगभग 1 आवर डिले, जी हाँ। अब इसका डिपार्चर आपको दिखाते हैं। 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन आजम नगर रोड से खुल चुकी है। अब हम पहुंच चुके हैं बारसोई जंक्शन, जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ BOE, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3। अब बारसोई जंक्शन आता है कटिहार डिवीजन में, जी हाँ। और बारसोई जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है कि एक लाइन तो यहाँ से चली गई, बारसोई राधिकापुर लाइन, बारसोई गुवाहाटी लाइन, और बारसोई जिधर हम जाएंगे सिल्लीगुड़ी लाइन, बारसोई न्यू जलपाईगुड़ी लाइन, जी हाँ। और यहाँ इस ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको डिपार्चर। देखिए अभी आई है राजधानी, डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जी हाँ, बारसोई जंक्शन पर अभी मिली है। देखिए पहले कौन सा ट्रेन को खोलता है। बाकी डिब्रूगढ़ राजधानी देखिए खुल गया है, क्या तोड़ा सर, देख रहे हैं ओवरटेक कर लिए। हाँ राजधानी है इसका तो, अभी पहुंचेगी अगला स्टॉपेज पर तब हम जाएंगे। सीट
45 मिनट रुकने के बाद बरसोई जंक्शन से खोलिए अपनी कैपिटल एक्सप्रेस। जी हाँ, देखिए बरसोई जंक्शन का डिपार्चर। टाइम हो रहा है 12:30। अब हम पहुंच चुके हैं किशनगंज, जिसका स्टेशन कोड है KNE, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 और 1 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। जी हाँ, और अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अगर मैं किशनगंज रेलवे स्टेशन के बारे में बात करूँ तो इस स्टेशन को ऑपरेट करता है कटिहार डिवीजन। किशनगंज को ओपन किया गया था इन द ईयर 1915 में। जी 5 मिनट रुकने के बाद अब अपनी ट्रेन निकल चुकी है किशनगंज जंक्शन से। जी हाँ, और देखिए आप इसका डिपार्चर। अब हम पहुंच चुके हैं ठाकुरगंज। जी हाँ, जिसका स्टेशन कोड हुआ TKD, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 2 और ठाकुरगंज। अपनी ट्रेन आई है कह सकते हैं 3 घंटा 40 मिनट डिले। जी हाँ, और पता नहीं कब पहुंचाएगा, अभी 2:22 हो रहा है टाइम। इसका पहुंचने का टाइम यहाँ था 10:42 में। जी हाँ, 2:22 में आई है, कह सकते हैं लगभग 3 घंटा 40 मिनट डिले चल रही है अपनी कैपिटल एक्सप्रेस। जहाँ पाता है वहाँ रोक दिया जा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है। और 2 मिनट का हॉल्ट है, चलिए दिखाते हैं अब इसका डिपार्चर।
अब हम पहुंच चुके हैं सिल्लीगुड़ी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड हुआ ESGUJ, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6। उसमें 4 ब्रॉड गेज है, 1 मीटर गेज और 1 नैरो गेज। जी हाँ, यहाँ 3 तरह की आपको पटरियाँ मिल जाएगी सिल्लीगुड़ी जंक्शन में। और अभी भी अपनी ट्रेन यहाँ आई है 4 आवर डिले। जी हाँ, और बात करूँ सिल्लीगुड़ी जंक्शन की, तो इस स्टेशन को ओपन किया गया था ईयर 1949 को, और इस स्टेशन को भी ऑपरेट करता है कटिहार डिवीज़न। जी हाँ, बाकी चलिए मिलते हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पर। बाकी अपनी ट्रेन रवाना हो गई है सिल्लीगुड़ी जंक्शन से। देखिए आप इसका डिपार्चर। बगल में लगी हुई है कटिहार सिल्लीगुड़ी जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस। टाइम हो रहा है 5। अब हम पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। जी हाँ, तो कह सकते हैं अभी भी ट्रेन यहाँ 4 घंटा डिले ही पहुंचाई है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। जहाँ पाता था वहाँ रोक दिया जाता था इस ट्रेन को। चलिए बाहर आपसे मुलाकात करते हैं। हम आ गए हैं स्टेशन के बाहर, और जान लीजिए इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। सेकंड सीटिंग का 3, स्लीपर का 8, और थर्ड एसी का 4, सेकंड एसी का 4, और फर्स्ट एसी का 1 कोच इसमें लगा रहता है, और 2 EOG के साथ चलती है अपनी कैपिटल एक्सप्रेस। जी हाँ, और बाकी हम जर्नी कर रहे थे स्लीपर में, जिसका मुझे किराया पड़ा 320 रुपीज। जी हाँ, पर पर्सन। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको लाता रहूं। और आप इंस्टाग्राम यूजर है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।